जी मिंटू और सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आपको सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज ओके, देन प्लीज लेट मी नो और हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ओके, एवरीथिंग ओके? बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? Shall we start it? And yes, please do share it once, ठीक है? एक एक बार जरा सेशन को आप लोग शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी हमें हमारे सेशन में ज्वाइन कर सके। एज देर इज अ फिक्स नोशन दैट आई विल बी कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स, बट ऐसा नहीं है, अभी 5 मिनट के बाद नहीं, मैं अभी आ चुकी हूँ। तो वो नोशन को थोड़ा दूर किया जाए, बहुत जरूरी है, isn't it? No, do share it once in all other group, वरना मुझे बैठ के 5 मिनट तक इंतजार करना होगा कि आप लोग कब आओगे तब मैं अपने सेशन को शुरू करूँ। See the number of watching people watching it. शुरू करें है? किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी है क्या? आज सब प्रेशर में है मैम। हाँ, प्रेशर में है तो क्या, पढ़ाई करने से ही तो प्रेशर कम होता है, ऐसे थोड़ी ना कि बैठे बैठे प्रेशर प्रेशर कम हो जाता है। द थिंग इज कि जो सेशन होता है वो जनरली थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक ऑलरेडी नोशन है कि लेट ही स्टार्ट होगी तो लेट ही आते हैं, तो वो बड़ी गड़बड़ वाली बात है मुझे लगता है। वंस अगेन ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग द सेशन। देखो पहला क्वेश्चन देखो। आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू बैंक्स फॉर स्मूदर ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट व्हाट टू अदर पॉपुलर अल्टरनेटिव्स एज इट इज सेट आउट टू फेज आउट ऑन व्हेन द डेट इट इज आस्किंग अबाउट। ओके, सो ऑप्शंस यू कैन सी हियर, लिबोर 31st December 2021, एसओएफआर 31st December, सोनिया 31st December, SOFR 31st December और लिबोर 31st December 2022। व्हाट इज द आंसर? नाउ सी द आंसर विल बी व्हाट? सी द क्वेश्चन वाज कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू की है ताकि स्मूदर ट्रांजिशन हो सके इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट से, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज है उसका अल्टरनेटिव लाया जा रहा है, बिकॉज इसको कहा गया है कि ये फेज आउट करेगा इस साल के एंड से, दैट इज 31st of December 2021। तो ये लिबोर है, ठीक है, अभी बात हो रही है कि किस तरीके से हम लोग लिबोर, दैट इज लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, इसको किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट कहाँ यूज होता है? बेसिकली इसका जो यूजेज होता है ना, ये कॉल मनी मार्केट वगैरह में होता है, तो उन सब टाइम पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसी को फेज आउट करने की बात हो रही है और ये हो जाएगा 31st of December 2021 से। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी जगह क्या हम लोग वहां पर बोला जा रहा है। तो देखो वहां पे जो वाइडली एक्सेप्टेड है ये अल्टरनेट रेफरेंस रेट, SOFR आपका, तो ये सब चीजें लाई जा रही हैं ताकि इसको यूज किया जा सके इंस्टेड ऑफ लिबोर। इस पॉइंट को ध्यान रखे रहना। ओके, सो आंसर ये विल बी व्हाट? द आंसर विल बी फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरा शेयर वेयर कर दो ताकि बाकी लोग हमारे सेशन में आ सके। Now you can see here, LIBOR is used widely by the global financial system as one of the interbank benchmark. As per 2014 Financial Stability Board report, the cases of attempted market manipulation and false reporting of global reference rate have mitigated the confidence in reliability and robustness of LIBOR. In July 2017, Financial Conduct Authority in UK decided to stop LIBOR lending by December 2021 and suggested using ARR in March 2021. FCA seized the use of LIBOR by any administrator.
ये सारे पॉइंट्स को याद रखो, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू. मूविंग टू नेक्स्ट, विश्व बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद वीजा टू इशू क्रेडिट कार्ड फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन इशूड बाई आर बी आई ऑन मास्टर कार्ड. आर बी एल बैंक, एच डी एफ सी, सी एस बी, फेडरल और पी एन बी. वॉट इज द आंसर? देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है वीजा के साथ में कि वो इशू कर सके क्रेडिट कार्ड को जब आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया था. ऑप्शन यू कैन सी आरबीएल, एचडीएफसी, सीएसबी, फेडरल और पंजाबी. मैं सेशन के बीच में भी आपको कई बार बताएंगे और मुझे अभी ज्यादातर गलत आंसर्स मिल रहे हैं. आंसर विल बी आरबीएल बैंक. ठीक है, आरबीएल बैंक हैज साइंड अ पैक्ट विद मास्टर कार्ड टू इशू क्रेडिट कार्ड, बट देन द बैन वॉज इम्पोज ऑन मास्टर कार्ड एंड सो आर बी एल स्विच टू वीजा. अब ये वीजा के साथ में मिल करके और अपने एंड से नया क्रेडिट कार्ड इशू कर रही थी. और द स्ट्रेंथ इज एक्सट्रीमली लो. शैल आई स्टॉप द सेशन? यू पीपल नीड टाइम टू स्टडी बाई योर सेल्फ बिकॉज तुम लोग की स्ट्रेंथ बहुत कम है. सो आई सपोज दैट आई शुड स्टॉप द सेशन. ओके, लेट अस डू लाइक 10 क्वेश्चंस एंड देन आई विल स्टॉप द सेशन. ठीक है, बिकॉज बहुत लो स्ट्रेंथ है तुम लोगों की, इसमें पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है. तो आई वोंट बी टेकिंग इट आफ्टर 5 or 10 क्वेश्चंस. इस स्ट्रेंथ में लेना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, वो तुम लोग कर लेना. एंड मोस्ट प्रोबेबली कल से ये सेशन मैं ऑफ कर दूंगी, फिर हम लोग कोई नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे. बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज बेनिफिटिंग दैट मच और स्ट्रेंथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वी विल बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स. ओके, एनीवे अभी ये देख लो. और जिसका भी एसबीआई है, अभी ज्यादा नर्वसनेस मत रखो अपने अंदर. ऑल दैट इज अ बट ऑब्वियस कि आपको नर्वसनेस होती होगी, बट उसे थोड़ा सा दूर करो यार. ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों का पेपर खराब होता है, तो थोड़ा कम नर्वस रहो. सही तरीके से बस अपनी प्रिपरेशन करो, दैट इज वॉट यू नीड. थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, ना अंडर कॉन्फिडेंस ना ओवर, बस एक लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए वेयर यू नो कि हाँ यू हैव प्रिपेयर्ड एंड नाउ यू कैन डू एवरीथिंग. ओके, नाउ अरे यार कंटिन्यू करना इस स्ट्रेंथ में, समझ रहे हो कितने मतलब हम लोग कितने डिमोटिवेट होते हैं, तो वो भी समझे जरा. मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड केपीटीएल रिसीव्ड अ लोन ऑफ $35.26 million फ्रॉम विश बैंक टू एग्जीक्यूट अ पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. एग्जिम सेनेगल, सिडबी मोजाम्बिक, सिडबी मेडागास्कर, एग्जिम मोजाम्बिक, सिडबी सेनेगल. वॉट इज द आंसर? Okay, so now the question is what? The question here is, Kalpatru Power Transmission Limited, that is KPTL, they have received a loan of how much? Dekho, amount ko bhi yaad rakhna bahut important hota hai, kyunki exam mein aapse amount bhi puche jaate hain. Kya likha hua hai? 35.26 million. Kaun se bank se receive kiya hai? Aur ye jo power transmission project hoga, isko kahan par complete karna hai? So answer here will be what? The answer will be Exim. Isse humne pehle bhi kar rakha hai. And this will be done in Senegal. Okay, so now see. Exim has extended a $35.26 million loan from Mumbai-based Kalpatru Power Transmission to execute a power transmission project in Senegal. The credit facility was extended under National Export Insurance Account, that is NEIA scheme. You need to remember this, okay? Ye bahut important hai, ise dhyan rakhe rehna. It would provide financing options to Indian project exporter with the support of cover from NEIA Trust, okay? Ye sare points ko yaad rakhe rehna. Okay. थोड़ी और बातें अगर हम लोग कर ले, एनी आई ए की, तो इस स्कीम को बनाया गया था सरकार के द्वारा ताकि फैसिलिटेट कर सके मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट को. बिकॉज जो लिमिटेशन है ECGC के ऊपर, ये इसके बाद में कोई और ऐसी संस्था चाहिए थी जो इसको कंप्लीट कर सके. एग्जिम की बात कर लें तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट इनकी थी 1982, हेड ऑफिस मुंबई में. CEO डेविड रस्केना अब नहीं है, इन्हें रिप्लेस करके अब कौन आ गए बताइएगा. डेविड रस्केना वॉज द ओल्डर CEO, हु इज द न्यू CEO? एनीवन हु कैन टेल मी? सेनेगल की बात करो तो देखो, कैपिटल दकर, President Macky Sall and currency CFA franc West African. Okay, now moving to next. RBI introduced an internal ombudsman mechanism to non-deposit taking NBFCs with an asset size of how much to appoint an internal ombudsman? 10,000 crore, 15,000, 1,000, 5,000 or 25,000? Harsha Bangari, very good, Barsha Rani. Okay, so now the question here is what? Key. RBI ने इंट्रोड्यूस किया है IU mechanism, जिससे वो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, जिनकी असेट साइज कितने की होगी, उन्हें अपने वहां पे IU अपॉइंट करना होगा. IU अपॉइंट करना होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल ओम्बड्समैन. यस, हाँ, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी 5,000 करोड़. तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था इसे, जिससे कि वो तमाम कैटेगरीज के NBFCs को इसके अंदर लेगा और अपने वहां पे कस्टमर इंटरफेस को बेटर करेगा. RBI ने कहा था कि ऐसी जो भी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं जिनकी ब्रांचेस 10 से ज्यादा है और जो भी ऐसे नॉन डिपॉजिट हैं जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा है, उन सभी को अपने वहां पर IU अपॉइंट करना होगा और ये भी 6 महीने के अंदर ही करना होगा, ऐसा RBI ने कहा था. ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखे रहिएगा, पूछे जा सकते हैं.
अगला देखो, विच बैंक पार्टनर्ड विद मुंबई मेट्रो एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च वन मुंबई मेट्रो कार्ड? एक्सिस, सिटी बैंक, पीएनबी, यूनियन और एचडीएफसी। द क्वेश्चन इज, व्हाट द क्वेश्चन इज, कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप किया है मुंबई मेट्रो और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च करा है वन मुंबई मेट्रो कार्ड? ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, क्या क्या, एक्सिस, सिटी, पीएनबी, यूनियन एंड एचडीएफसी। द आंसर विल बी, या ये किया गया है किसके द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा। इन्होंने वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है मुंबई लोगों के लिए, जो एनेबल करेगा कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रेवल। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वही बेसिकली जो अपना ट्रैवल कर रहे हैं रेगुलरली उनके लिए इजी हो जाएगा इस तरीके से पेमेंट करना। ठीक है, तो वही बस एक पर्टिकुलर चीज़ है और कुछ मतलब ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो जाएगी। मुंबई मेट्रो की बात कर ले तो हेड ऑफिस मुंबई है और सीईओ कर्नल शुभोदय मुखर्जी हैं। मास्टर कार्ड की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र जो भारत का है, सीईओ माइकल में बैक है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम अलॉन्ग विद एडीबी टू इंक्रीज वुमेन पार्टनरशिप इन एनर्जी सेक्टर? आईएमएफ, आशियान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। व्हाट इज द आंसर, फटाफट बताते चलो। तो द क्वेश्चन इज व्हाट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वी पार इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है एडीबी के साथ मिलकर, जिससे वो इंक्रीज कर सके वुमेन पार्टिसिपेशन एनर्जी सेक्टर के अंदर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, द आंसर विल बी व्हाट, यस सी, द वी पार इंडिया पार्टनरशिप फोरम वाज हेल्ड थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू बूस्ट साउथ एशियन वुमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क, दैट इज वी पार इन इंडिया। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी इन एसोसिएशन विद इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। It was attended by 168 energy sector stakeholders. The event saw a panel discussion on expanding job opportunities for women in India's clean energy transition. Talking about VPAR, it was initiated in 2019. World Bank in collaboration with ADB launched the VPAR to promote gender equality in the Indian electricity sector. It is a network of 28 energy sector utilities and organizations. Moving to next. Which bank integrated with ENAM to enable digital collections and settlement of fund to various ENAM beneficiaries? ICICI, Axis, HDFC, IDBI, IndusInd. Okay, so the question is what? कौन से बैंक ने इंटीग्रेट किया है इनाम के साथ और एनेबल कर रहा है डिजिटल कलेक्शन सेटलमेंट ऑफ फंड ताकि इनाम बेनिफिशियरीज को इसके फायदे मिल सके? The answer will be yes. आंसर विल बी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने इंटीग्रेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से ताकि डिजिटल कलेक्शन को जो है एनेबल किया जा सके। एचडीएफसी ने पार्टनरशिप किया है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के साथ ताकि फर्दर इंप्रूव कर सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईनाम प्लेटफॉर्म पे, कैसे मल्टी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, MPS को ऑफर करके। ठीक है, आंसर पहले से क्लिक हो गया था एक्चुअली। देखो इनाम की हम बात करते हैं तो करेंटली इसकी जो है ये 1000 मंडीज से जो है कनेक्टेड है भारत में, और जो टोटल वैल्यू एग्री प्रोड्यूस की ट्रेड हो रही है वो लगभग 1.3 लाख करोड़ की है फिनेंशियल ईयर 2020-21 में। स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्शियम की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर नील कमल दरबारी, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। एचडीएफसी तो हम सभी को पता है 1994, हेड ऑफिस मुंबई, MD CEO शशिधर जगदीशन, टैग लाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Which bank is associated with Visa and Neo to offer a digital saving account for the customer? SBI, ICICI, HDFC, Axis or SBM? What is the answer? देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा बैंक एसोसिएटेड है Visa और Neo के साथ ताकि डिजिटल सेविंग अकाउंट कस्टमर्स को ऑफर किया जा सके? इज दैट ओके जोसेफ, नाउ स्पीड, आर यू गेटिंग इट? हाँ, द आंसर विल बी व्हाट, सी, फिनटेक कंपनी नियो ये SBM बैंक के साथ में और विजा के साथ मिलकर के एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफर करने को कही है अपने कस्टमर नियो ग्लोबल के। इंडियन पासपोर्ट होल्डर इसका बेनिफिट ले सकते हैं नियो ग्लोबल कार्ड से ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर ईजियर फॉरन एक्सचेंज। फीचर्स आप लोग यहाँ देख सकते हो, फीचर्स आप लोगों से नहीं पूछा था इसका क्या फीचर था। ओके, एनी वे, सो अब ये देख लीजिएगा, नियो अकाउंट इज अ डिजिटल अकाउंट विद अ यूनिक अकाउंट नंबर एंड बैंक IFSC कोड। यू कैन फंड दिस अकाउंट इन INR वाया NEFT, IMPS और UPI। ओके, बिसाइड सी अबाउट SBM, सो दिस इज द MD CEO सिद्धार्थ राठ, एस्टैब्लिश्ड इन 1994 एंड हेड ऑफिस इज इन मुंबई महाराष्ट्र। टॉकिंग अबाउट नियो, CEO इज विनय बागड़ी एंड हेड ऑफिस इज इन बेंगलोर कर्नाटका। ओके,
किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी ज्यादा या कम समझ में आ रहा है? एवरीथिंग ओके okay? अच्छा, एसबीएम का फुल फॉर्म पूछ रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ओके। आरबीआई शुड डायरेक्शन फॉर द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सेट द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट फॉर कस्टमर्स टू रुपीज हाउ मच? 5,000, 10,000, 25,000, 40,000 और 1,000, व्हाट इज द आंसर? ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, दैट आरबीआई इशूड डायरेक्शन फॉर लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सेट द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट फॉर कस्टमर टू रुपीज हाउ मच? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आई एम गेटिंग द आंसर्स एज 10,000, 10,000, 5,000, 10,000, ओके या, सो द आंसर विल बी व्हाट? देखो देखो, आरबीआई ने जो है तमाम तरीके के डायरेक्शन इशू किए थे लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र, और कैप किया था विड्रॉल कस्टमर्स के लिए 1,000 पे। आरबीआई ने जो डायरेक्शन इशू किया था, ये इनको जो पार मिली हुई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, उसके थ्रू इसको किया था, ठीक है। वेरी गुड प्रियंका। नाउ द बैंक वॉज नॉट अलाउड टू राइट, ग्रांट और रिन्यू एनी लोन एंड एडवांसेस, मेक एनी इन्वेस्टमेंट, इनकर एनी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग बोरोअल ऑफ फंड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश डिपॉजिट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। Withdrawal was not allowed for a sum exceeding rupees 1,000 from the total balance across all saving or current account or any other account of a depositor, but they are allowed to set off loan against deposits. ठीक है, याद रखे रहना। तो बहुत कम है, हाँ कम तो है। See, the restriction under Banking Regulation Act 1949 will remain in force for bank for 6 months from the close of business on November 12, 2021. अबाउट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एस्टैब्लिश 6 जून 1929, हेड ऑफिस सोलापुर महाराष्ट्र, चेयरमैन बीवी नरलेकर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड 6 MOUs विद बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, मैथवर्क्स, योर स्टोरी, फ्रेश वर्क एंड कॉन्टैक्ट टू बिल्ड अ रोबस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम इन इंडिया? NIC, नीति आयोग, STPI, DPIIT और NIMSME, व्हाट इज द आंसर? बहुत मजाक मत उड़ाओ लक्ष्मी के नाम पे, समझो। या नाउ सी द क्वेश्चन वाज व्हाट, क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 6 MOU साइन किया BUB, यस बैंक, मैथवर्क, योर स्टोरी, फ्रेश वर्क और कॉन्टैक्ट के साथ मिलके, ताकि एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बेटर वो जो है उस पर वर्क कर सके? तो ये करने वाला STPI था, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, इकोसिस्टम नर्चर करने के लिए अभी कहा है कि ये सर्टेन पार्टनरशिप में आ रहे हैं। अभी तक STPI ने 13 COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 177 स्टार्टअप अपने प्लेटफॉर्म पर शुरू कर रखे हैं। STPI की बात करें तो ये एक प्रीमियर साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन होती है मीटी के अंदर, जो एंगेज होती है इन प्रमोटिंग IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इंडस्ट्री, इनोवेशन, R&D स्टार्टअप्स। एस्टैब्लिश्ड इन 1991, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ओमकार राय। नेम द बैंक दैट लॉन्च्ड फेडी AI पावर्ड वर्चुअल कस्टमर असिस्टेंस। कैथोलिक सीरियन बैंक, HDFC, फेडरल, इंडस एंड करूर व्यास्य। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से बैंक ने लॉन्च किया था फेडी, एक AI पावर्ड वर्चुअल कस्टमर असिस्टेंस, ठीक है। या जब नाम फेडी आ जाएगा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा हमारा कि आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी फेडरल बैंक, ओके। सो फेडी, an artificial intelligence powered virtual assistance was launched by Federal Bank to provide 24/7 assistance to its customers on banking related queries. FEDI is a state of art tool that can also be integrated and assessed through Alexa, Google Assistant and WhatsApp. Notably, Federal Bank previously launched Fed Selfie, a user friendly tool that allows users to open a bank account by taking selfies. Federal 24/7, users can open bank account through video call. Okay, remember these points, these are again very important. Who introduced a new standard with how much level expected loss based rating scale for credit rating agency? RBI 7 level, SEBI 7 level, SEBI 5 level, SEBI 6 level, RBI 5 level. What is the answer? Yep, approx. जो ज़्यादा focused है वो October, November, December है।
ये गलत मत बताओ यार, दिस इज वेरी इजी पीपल. सी द आंसर विल बी सेबी 7 लेवल. ओके, ये भी कुछ दिन पहले मैं तुम लोगों को 10 PM अपनी क्लास होती है करंट अफेयर्स, वहां पे भी मैं तुम लोगों को याद कराई थी इसे. एनी वे, सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. द एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल हैज टू बी यूज्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाइल रेटिंग प्रोजेक्ट और इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. नाउ सी, द एल बेस्ड रेटिंग सिंबल ऑफ द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाई सी आर एज वर डिवाइडेड इन टू स्केल ऑफ 7 लेवल्स. ओके, 7 लेवल में इसको जो है कैटेगराइज किया जाएगा, लो, वेरी लो, मॉडरेट, हाई, इस तरीके से रिस्क को बताया जाएगा ताकि लोग पहले ही समझ सकें कि वो किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, एनी वे, मूविंग टू नेक्स्ट. Who announced schemes to develop its primary agriculture cooperative societies and state cooperative bank through financial assistance provided by Kerala NABARD, Kerala SIDBI, Punjab SIDBI, Manipur SIDBI, Manipur NABARD? What is the answer? Batayega. Okay, so now the question was what? Which state announced schemes to develop its PSCS, okay, Primary Agriculture Cooperative Society and State Cooperative Bank through financial assistance provided by which particular organization? That is the question, okay? Yeah, now the answer will be what? The answer will be Manipur and NABARD, okay? See here. N. Biren Singh, the Chief Minister of Manipur, virtually launched various welfare schemes that are implemented under National Bank for Agriculture and Rural Development in the state. The scheme include comprehensive scheme for development of Manipur State Cooperative Bank Limited and Primary Agriculture Cooperative Societies in Manipur. Okay. Which bank launched second window of Swavalambam Challenge Fund to provide financial support to non-profit organization, educational institution to address developmental gaps? IDBI, SIDBI, NABARD, EXIM, IFCI. What is the answer? Now see, question is, which bank launched the second window of Swavalambam Challenge Fund to provide financial support to non-profit organization, educational institution to address developmental gaps? Now the answer will be what? Yes, it was done by SIDBI. SIDBI has launched the second window of Swavalambam Challenge Fund, which aims to provide financial support to NPOs, educational institution, for addressing the developmental gaps. Okay, beside, see, this edition themes are aligned with, ये देख लो भाई, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फंड इज अ पार्ट ऑफ स्वावलंबन रिसोर्स फैसिलिटी बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय सिडबी इन पार्टनरशिप विद फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके. द फर्स्ट विंडो ऑफ SCF वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2021 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया. सिडबी इज द सोल फैसिलिटेटर ऑफ स्वावलंबन चैलेंज फंड. द प्रपोजल्स कैन बी सबमिटेड फॉर अंडरटेकिंग पायलट एंड स्केल अप. पायलट इज 20 लाख एंड स्केल अप टू 35 लाख. ओके, टॉकिंग अबाउट सिडबी, so the CMD is S. Raman and head office is in Uttar Pradesh. Identify the bank that partnered with NIIT IFBI to launch an 18-week fintech professional program on NIIT Digital Banking Academy. HDFC, DBS, ICICI, Douche or Access. What is the answer? Now see the question, Christ Joseph, it's okay, you can give your answer once or twice, you are spamming with answer, okay, so you can give it like once or twice, that is okay. Anyway, now the answer will be what? The question was, which bank has partnered with NIIT IFBI to launch an 18-week fintech professional program of NIIT Digital Banking Academy? Okay, this is the question. The answer will be what? See, NIIT Institute of Banking, Finance and Insurance, IFBI, a subsidiary of National Institute of Information Technology, NIIT Limited, and Axis Bank have made a partnership and launched 18-week fintech professional program under Axis Bank NIIT Digital Banking Academy. It is the first fintech program being launched under Axis NIIT Digital Banking Academy, and it would build future-ready professionals for Axis Bank. Okay, everyone answered wrong. Next. Which company collaborated with SIDBI to provide financial assistance up to rupees 1 crore on to MSMEs? Google, Amazon, Infosys, Microsoft or Wipro?
ओके अमन यू वर राइट, ग्रेट. क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज कि विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद सिडबी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹1 crore टू MSMEs. ऑप्शंस यू कैन सी हियर, द आंसर विल बी व्हाट सी. सिडबी कोलैबोरेटेड विद गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर पायलटिंग अ सोशल इंपैक्ट लेंडिंग प्रोग्राम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹1 crore एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट टू MSMEs. The collaboration brings a corpus of $15 million to MSMEs as a crisis response related to COVID-19 for reinvigoration. Okay? Which organization got approval from RBI to set up an account aggregator to secure the digital access and data of an individual? SEBI, NABARD, IRDAI, SIDBI or NSDL? What is the answer? The question is what? Which organization got approval from RBI to set up an account aggregator to secure the digital access and data of an individual? Make sure you people are answering correctly. Yes. देखो, अगर तुम लोग इसमें देखोगे all other, so these are overall the regulatory bodies except from SIDBI. Okay. So SIDBI will never work as account aggregator because it is not directly dealing with any kind of customer. Okay. आंसर कैन बी ओनली NSDL इफ यू यूज अ माइंड अप बिट. ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग लगा के दिमाग सोचे और तुक्का मारे तो सही हो जाएगा. एनी वे, NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू सेट अप एन अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस अंडर इट्स होली ओन सब्सिडरी NSDL ई गवर्नेंस AA लिमिटेड. इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंसेंट फ्रेमवर्क दैट एम्पावर्स एन इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर देयर डेटा and the ability to securely and digitally access and share the same. Okay, khair ek agar main aapse baat karti hu, so these account aggregator are access fiduciary. It will be used for exchange of financial information from financial information providers to financial information users in a safe manner with due consent. Okay, NSDL ko dekh lo, NSDL e governance infrastructure, it was established in 1995, head office Mumbai, MDCO Suresh Sethi. Which company signed a co-lending agreement with SBI to offer finance solution to MSMEs? Tata Capital Financial Services, Cholamandalam Finance, Muthoot Finance, Ugrow Capital, PFCI. What is the answer? The question is what? Which company signed a co-lending agreement with SBI to offer finance solution to MSMEs? Okay, so now, SBI signed a co-lending agreement in line with RBI guideline with Ugrow Capital, the NBFC. Through this collaboration, SBI and Ugrow will disburse up to 500 crore loan to MSMEs. Recently, they have also signed, SBI has also signed a co-lending agreement with Adani Capital. Okay, and Ugrow also signed co-lending agreement with Central Bank of India, Bank of Baroda. ठीक है, तो ये भी याद रखे रहना. Which bank launched a micro credit facility to the street vendors under PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme? HDFC, Axis, ICICI, IDBI or IndusInd? What is the answer? Yeah. So the question is, which bank launched micro credit facility to street vendors under PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi Scheme? Okay. It was done by HDFC. They have launched micro credit facility for street vendors under Pradhan Mantri Street Vendor Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi with common service centers. All debit and credit cards issued by banks will have a complimentary personal accident insurance cover with a maximum limit of 10 crore, 10 lakh, 1 crore, 5 crore, 50 lakh. What is the answer?
आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं जो इशू किए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा, इनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होगा जिसका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा। तो जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं जो इशू करेगा बैंक, इनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होगा। जनरल कंडीशन इस क्लेम को जो है इस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जो कार्ड होगा वो एक्टिव यूज होना चाहिए और क्लेम को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर करना होगा। जैसे कि क्लेम इंश्योरेंस अगर रुपे इंश्योरेंस प्रोग्राम का है तो इंश्योरेंस जो भी करा रहा है उसे 90 डेज के अंदर बताना होगा एक्सीडेंट की डेट के अंदर। और कार्ड शुड हैव एक्टिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके 90 डेज के अंदर बताना होगा और कार्ड जो होगा वो भी 90 डेज के अंदर एक्टिव रहा होना चाहिए एक बार, ठीक है। बाकी अलग अलग सिनेरियोज आप लोग देख सकते हो कौन से किस बैंक के साथ में जाएगा, ठीक है, अपने अपने एंड से भी रखते हैं लोग, ठीक है। चलो कह रहा अगला देखो, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। क्या आपसे पूछ रहा है कि कौन से बैंक ने अभी भी पार्टनरशिप की है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ ताकि ऑफर कर सके ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस अपने कस्टमर्स को। CSB, धनलक्ष्मी, कर्नाटका, बंधन और RBL। व्हाट इज द आंसर? ओके, सो द क्वेश्चन वॉज कि कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की SMC के साथ और ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस अपने कस्टमर्स को ऑफर करने को कहा है। ओके, यस, द आंसर विल बी धनलक्ष्मी। दे हैव मेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस। दे विल बी ऑफरिंग 3-in-1 अकाउंट अंडर द पार्टनरशिप। बैंक विल ऑफर एन इंटीग्रेटेड 3-in-1 अकाउंट कंप्राइजिंग सेविंग, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, SMC ग्लोबल की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, डायरेक्टर CEO अजय गर्ग। धनलक्ष्मी established in 1927, head office Thrissur, MD CEO Shivang JK. Paytm Payment Bank enabled its customers to make online payment through fixed deposit account that are held with which bank? Kotak Mahindra, IndusInd, Bank of Baroda, Federal or Axis? देखो, Paytm Payment Bank ने enable किया अपने customers को कि वो online payment कर सके fixed deposit account से, जो कि किस bank के साथ होगा? सी, ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे लगता है पेटीएम ने एनेबल किया अपने पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक के कस्टमर्स, जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हैं इनके, उन्हें एनेबल किया है कि वो इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने ऑल इन वन पेमेंट गेटवे से यूजिंग बैलेंसेज अवेलेबल इन देयर FD अकाउंट विच इज हेल्ड विद इंडसइंड द पार्टनर बैंक ऑफ पेटीएम। बिकॉज जो भी आपके पेमेंट बैंक होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू ओपन द FD, तो ये अपने पार्टनर बैंक के साथ में मिलकर के उसे ऑफर करते हैं, ठीक है। अब इस FD को एक पेमेंट सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है पेटीएम गेटवे के थ्रू, जो कि पहले अपने तरीके का सॉल्यूशन होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। रिडेम्पशन आप लोग देख लेना, PDF में आपको समझ जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक की हम बात कर ले तो ये भारत का पहला मोबाइल बैंक जीरो बैलेंस जीरो डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज अकाउंट के साथ में है। हेड ऑफिस नोएडा, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा, MD CEO सतीश कुमार गुप्ता। ओके, और इधर एज ऑफ March 31, 2021 पेटीएम पेमेंट बैंक हैड 6.4 करोड़ सेविंग अकाउंट एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग FDs अंडर अरेंजमेंट बिटवीन PPB एंड इंडसइंड स्टूड एट 1750 करोड़। और ये आपका इंडसइंड है 1994 एस्टैब्लिश्ड, हेड ऑफिस पुणे, MD CEO सुमंत काटवालिया, टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर। विश बैंक पार्टनर्ड विद बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी टू प्रोवाइड बैंकिंग सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर्स। CSB, ICICI, HDFC, Federal और City Bank। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप किया बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी के साथ ताकि प्रोवाइड कर सके बैंकिंग सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को। ऑप्शंस आपके सामने हैं CSB, ICICI, HDFC, Federal और City Bank। द आंसर इज, हाँ देखो, जो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी है ये ICICI के साथ कोलैबोरेट किया है बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन से जो बिजी के यूजर्स होंगे वो अपना रिकनसाइल कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली, अकाउंटिंग कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स मिल सकती है, पेमेंट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से अवेल कराई जाएंगी। इसके थ्रू जो बिजनेस एफिशिएंसीज होगी वो बढ़ेगी। ओके, इसलिए ये पैक्ट को साइन किया गया है। ओके, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, MD CEO दिनेश कुमार गुप्ता, चेयरमैन हरीश चंदर, हेड ऑफिस दिल्ली, ICICI इनकॉर्पोरेटेड 1994, एस्टैब्लिश्ड 1955, हेड ऑफिस मुंबई, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी, टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। Which bank signed an agreement with Jamshedpur Football Club, a fully owned subsidiary of Tata Steel, to promote and support football in India? ICICI, HDFC, SBI, IDBI or IndusInd? What is the answer?
आंसर विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ, जो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडियरी है टाटा स्टील की, ताकि वो प्रमोट और सपोर्ट कर सके फुटबॉल को भारत के अंदर. ये पहला अपने तरीके का एक अग्रीमेंट है SBI का फुटबॉल गेम के लिए. ठीक है, बस ऐसे आप लोगों को ध्यान रखते रहना होगा. ठीक है, ये बाकी इधर आप लोग देख सकते हो सारी डिटेल्स आपके सामने, ये तुम लोग पढ़ लेना है एक बार, डिटेल्स में इतना हमें नहीं जानना है. What is the prior initiation time set by SEBI for stock exchanges to make modification in the contract specification on category A contract? जो prior initiation रखा गया था SEBI के द्वारा stock exchanges पे कि वो modification करे अपने contract specification A category contract पे, वो क्या थी? 30 days, 45 days, 10 days, 25 days or 60 days? Questions are always direct. The point is ki from where have you studied and which point have you studied. Okay, question is always direct. Question is not from like indirect, but the point is have you ever read that point or not. That is something that matters. Okay, now this question is also very much tough for so many people. Dekho, kahan se 10 days hoga. सेबी ने रिड्यूस किया था एडवांस इनिशिएशन टाइमलाइन स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कि वो मॉडिफिकेशन करें अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए. कैटेगरी देख लो, ये आपके सामने में लिखी हुई है. ओके, अब इधर जरा देखो, टाइमलाइन दिया गया था ऐसे इंटीमेशन के लिए. सेबी ने प्रोवाइड किया था कि जो एडवांस इंटीमेशन टाइमलाइन होगा, जो नंबर ऑफ डेज प्रायर इंटीमेशन का होगा, ये 10 डेज होगा कैटेगरी ए के लिए, 30 डेज होगा कैटेगरी बी और सी के लिए. ठीक है, अब जो है टाइमलाइन इन तीनों कैटेगरीज के लिए 10 डेज कर दिया गया. पहले बी और सी के लिए क्या था आपका 30 डेज था, उसको भी अब कम कर दिया गया है. ये जो मॉडिफिकेशंस की गई हैं, इनको जो पावर मिली है सेबी को सेक्शन 11(1) सेबी एक्ट के थ्रू, उसी से किया गया है, जो कि रेड किया जाएगा सेक्शन 10 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के साथ में. ठीक है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलॉन्ग विद AIC STPI नेक्स्ट साइंड एन MOU विद साइन IIT बॉम्बे फॉर फॉस्टरिंग ई कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड वॉट कैंपेन एंड KBL करेंट अकाउंट प्रीमियम स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स. CA, RA, RASA, RACA, CASA or RASA. What is the answer? देखो, जब क्वेश्चन का लेवल टफ होने लगता है तो सब बिल्कुल शांत हो जाते हो, उस टाइम थोड़े और अग्रेसिव होना चाहिए तुम लोगों को, है ना. क्या देखो, तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया था नेशन वाइड अपना कासा कैंपेन और नया वैल्यू एडेड करंट अकाउंट स्कीम जिसका नाम था KBL करंट अकाउंट प्रीमियम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए. कैंपेन को स्टार्ट किया गया November 15 से. बैंक का इंटेंशन यह है कि वो मोबिलाइज कर सके 4,15,000 कासा अकाउंट इंडिया भर में इस कैंपेन के थ्रू February 28, 2022 के अंदर अंदर. ओके, याद रखिएगा. फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो स्कीम है इससे बैंक कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, नया करंट अकाउंट जो है शुरू कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग अ मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ 25,000. ठीक है, कर्नाटका की बैंक की बात कर लो तो एस्टैब्लिशमेंट February 18, 1924 को हुआ था. हेड ऑफिस मैंगलोर में है और MD CEO महाबलेश्वर MS होते हैं. MD CEO चेंज हुए या अभी सेम है, बताइएगा. Which bank launched India's first co-branded movie debit card along with PVR Limited? IDFC First Bank, Axis, Federal, ICICI or Kotak Mahindra? Okay, so now the question is, कौन से बैंक ने लॉन्च किया पहला को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड PVR के साथ में मिलकर के. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा. ठीक है, देखो, कोटक महिंद्रा और मल्टी चेन ऑपरेटर PVR मिलकर के लॉन्च किया भारत का पहला को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड जिसका नाम है कोटक PVR मूवी डेबिट कार्ड. ओके, ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड इन्वेस्को कॉइन शेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF फंड ऑफ फंड इंडियाज फर्स्ट स्कीम टू एक्सपोज पार्टिसिपेशन ऑफ ग्लोबल कंपनीज इन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम. RBI, CB, NABARD, IRDAI और NSDL. ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है
इन्वेस्को कॉइन शेयर ब्लॉकचेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड भारत का पहला स्कीम है जिसमें एक्सपोज करेगा पार्टिसिपेशन ग्लोबल कंपनीज की ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में। Now the answer will be what? The answer will be SEBI. तो जो सेबी है ये अभी अभी जो है इस स्कीम को जिसका नाम इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को कॉइन शेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फंड ऑफ फंड है ये इनको अलाउ कर दिया है। विच विल बी इंडियाज फर्स्ट स्कीम दैट ऑफर्स एक्सपोजर टू ग्लोबल कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। ठीक है, यस दैट वुड बी सेबी, बस ऐसे याद रखे रहना आप लोग। विच कंपनी लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फीचर वॉइस ट्रेडिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक्स वाया सिंगल वॉइस कमांड? जीपे, कैश फ्री, पेटीएम मनी, पेपाल, रेजर पे। ओके, देखो अभी ये रिसेंटली और भी कंपनीज ने लॉन्च किया है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इन जो ऑप्शन दिया गया है इसमें लॉन्च किसने किया था? ये पेटीएम ने किया था। देखो पेटीएम मनी द होली ओन सब्सिडियरी ऑफ पेटीएम लॉन्च AI powered voice trading which will enable users to do trade or get information about stocks via single voice command. The voice command features uses neural network and natural language processing to allow instant processing. This launch is on the line of Paytm Money efforts to offer next gen and AI driven technology to enhance user experience. इसके अलावा Paytm ने भी अपने वहां पर merchants के लिए इस particular सुविधा को launch किया था कि जब भी कोई payment होती है Paytm wallet से तो वो easily उनको क्या करे voice से बता सके कि हाँ some kind of payment has been done. Okay? Next देखो RBI ने issue किया 14,000 करोड़ worth कितने साल का government security जिसका interest rate क्या है? 15 year 7.18, 10 year 5.85, 10 year 7.18, 15 year 6.10, 10 year 6.10. What is the answer? ओके, सो द क्वेश्चन वाज व्हाट कि आरबीआई ने अभी क्या किया था? 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्होंने इशू की थी जिसका 6.10% पर एनम पे किया गया था, पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा था। जीसेक ऑप्शंस को देख लो आप लोग कि आरबीआई ने तीन ऑप्शंस किए हैं न्यू 10 ईयर सिक्योरिटी के 2031 के 6.10% पे, 2023 जीसेक 4.3 और 2061 जीसेक 7.18% पे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप लोग देख लेना, पूछेगा नहीं आपसे, करंट का ही पूछेगा। उतनी ज्यादा डीप में अगर पूछना होगा तो वो जैप कैब में पूछेगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, या तो आरबीआई की ग्रेड बी ऑफिसर्स के एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोगों के एग्जाम में इतना ज्यादा लेवल टफ करके नहीं पूछेगा, बट हाँ कुछ ऐसी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पिक द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विच लॉन्च आरोग्य रक्षक अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यूनाइटेड इंडिया, LIC, OIC, SBI लाइफ और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किन्होंने आरोग्य रक्षक लॉन्च किया था, यहाँ मैं बताऊं ये बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि आरोग्य रक्षक, आरोग्य सुप्रीम, आरोग्यम प्लस, इस तरीके से बहुत सारे आरोग्य लॉन्च किए गए हैं और जब ऑप्शन में आपको LIC और SBI लाइफ दोनों दे दिया तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है। हालांकि आसान सी चीज है लेकिन जब ऑप्शन आपको मैचिंग दे दिए गए तो टफ ही हो जाएगा। देखो LIC ने लॉन्च किया था अपना नॉन लिंक प्लान आरोग्य रक्षक जिससे वो फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस देगा, प्रोवाइड करेगा। इस प्लान को लॉन्च किया गया था एम जगन्नाथ, जोनल मैनेजर है ये LIC के। ठीक है, हाँ तो ये अलग अलग है, उनको याद रखे रहना, आरोग्य 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 बहुत सारे आरोग्य हो गए हैं। अगला देखो कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप अग्रीमेंट की है एम स्वाइप के साथ जिससे वो लो कॉस्ट EMIs अपने रिटेल कस्टमर को प्रोवाइड करे? मास्टर कार्ड, वन कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन। Yes, ये एक्चुअली बहुत आसान हो गया है। ये एम स्वाइप ने कहा था कि ये पार्टनरशिप कर रहे हैं वन कार्ड के साथ जो कि मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है और ये प्रोवाइड करेगी नो कॉस्ट या लो कॉस्ट EMI अपने रिटेल कस्टमर को जब वो परचेज करेंगे एम स्वाइप POS जो पॉइंट ऑफ सेल होता है। एम स्वाइप आप लोग देखते हो कितना बड़ा फोन टाइप का दिखता है ना, तो वहां से परचेज करेंगे उस टाइम पर ये इन्हें जो है प्रोवाइड करने वाली है लो कॉस्ट EMI अपने रिटेल कस्टमर्स को।
ठीक है, एमस्वाइप देख लो, फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष पटेल, फाउंडेड इन 2011, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र. आरबीआई एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर बैंक टू यूज लॉकेबल कैसेट्स इन एटीएम्स टिल व्हाट डेट? द कमिटी ऑन करेंसी मूवमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हूम रिकमेंडेड द यूज ऑफ लॉकेबल कैश कैसेट्स? बताइएगा, तो देखो और आंसर बताओ क्या होगा. आरबीआई ने एक्सटेंड किया इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन बैंक की वो सिर्फ लॉकेबल कैसेट्स यूज कर सकते हैं और इसको स्वैप किया जाएगा टाइप ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट के टाइम पर इन एटीएम स्टिल मार्च 2022. ठीक है, इसका जो आंसर होगा, यस सब लोग गलत ही बता रहे हो लगभग, द आंसर विल बी वन. ठीक है, ध्यान दिए रहना कि किसके अंडर कमिटी बैठी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, कि जो भी रिकमेंडेशन हुई है करेंसी मूवमेंट पर, ये किसके अंदर हुई है? ये डीके मोहंती जी के द्वारा हुई है. इन्होंने बताया कि जो बैंक ये यूज कर सकते हैं लॉकेबल कैसेट अपने एटीएम्स के अंदर ताकि वो ओवरकम कर सके रिस्क जो भी इन्वॉल्व है ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट के साथ में. ये आपके सामने एटीएम के सारे टाइप्स हैं, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड बॉब क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपी प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड टू ऑफर अ पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू 50 लाख? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, NPCI और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल? व्हाट इज द आंसर? ओके, सो द क्वेश्चन वॉज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने BOB क्रेडिट कार्ड रूपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन के साथ मिलकर ताकि वो पर्सनल एक्सीडेंट डेथ ऑफर कर सके और इंश्योरेंस कवर 50 लाख तक की? तो ये NPCI ने किया है अभी अभी. ठीक है, एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया कि रिप्लेस करेगा बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट LIBOR को किसके साथ में मिलकर के, यानी कि किसके थ्रू ये इसको रिप्लेस करने वाला है, इसकी जगह क्या आ रहा है? स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3? व्हाट इज द आंसर? देखो, यस, एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया था कि अपना पहला डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो है, जो कि लिंक होगा सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से और रिप्लेस करेगा लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को. SOFR जो है ये पॉपुलर है US डॉलर इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क के थ्रू ये किया जाता है और कहा जा रहा है कि ये LIBOR को एक अल्टरनेट रेफरेंस रेट के थ्रू जो है रिप्लेस करने वाला है दिसंबर 2021 से. ठीक है, विच बैंक गॉट ऑथोराइज बाई RBI टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? RBL, बंधन, HDFC, इंडसइंड और एक्सिस? क्वेश्चन वॉज, कौन से बैंक को ऑथोराइज किया गया था RBI के द्वारा कि वो डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है CBDT के बिहाफ पे? द आंसर विल बी व्हाट? RBL बैंक. ठीक है, अरे, विच बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद HPCL टू प्रोवाइड द फ्यूल पेमेंट फॉर देयर फास्टैग कस्टमर्स? इंडसइंड, IDFC फर्स्ट, फेडरल, यस बैंक और एक्सिस बैंक? व्हाट इज द आंसर? देखो, कौन से बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट HPCL के साथ ताकि वो फ्यूल पेमेंट पर फास्टैग कस्टमर्स की सुविधा, सॉरी, फ्यूल पेमेंट पे फास्टैग जो है इसकी सुविधा दे सके कस्टमर्स को? ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो, इंडसइंड, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक? आंसर विल बी IDFC फर्स्ट बैंक. इन्होंने पार्टनरशिप की HPCL के साथ और एनेबल करेगा जो फास्टैग कस्टमर है ये फ्यूल पेमेंट कर सके यहाँ पर. इसके साथ में IDFC फर्स्ट बैंक फास्टैग जो है इसको खरीदा जा सकता है, रिचार्ज कराया जा सकता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है पैसेंजर व्हीकल यूजर्स एट सिलेक्ट HPCL रिटेल आउटलेट्स. ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $150 million लोन टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया? वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, EDB और EIB? ओके, तो क्या पूछ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है $150 million का लोन ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया?
हाँ द आंसर विल बी व्हाट, AIIB, जो AIIB है इन्होंने अप्रूव किया है $150 मिलियन का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो लोन अमाउंट है इसको यूज किया जाएगा इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम फॉर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया. द अमाउंट ऑफ वन टाइम कंपनसेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइक अकॉर्डिंग टू इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2021 विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो जो एक बार का कंपनसेशन होता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन, जैसा कि इंडियन टेलीग्राफ लाइन राइट ऑफ वे में है, ये मैक्सिमम कितना होगा? 500 रुपीज पर किलोमीटर, 100 रुपीज, 1050, और इट इज वेरिएबल. देखो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल 2021 ताकि इनकॉर्पोरेट कर सके प्रोविजन विच इज रिलेटेड टू नॉमिनल वन टाइम कंपनसेशन एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन. जो अमाउंट होगा वन टाइम कंपनसेशन का फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन विल बी मैक्सिमम ऑफ 1000 रुपीज पर किलोमीटर. ठीक है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट अनाउंस फर्स्ट ऑफ इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हाई अल्टीट्यूड यॉक्स. लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस, रिलायंस और ओरिएंटल. देखो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी यस. नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने, जो कि दिरांग वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में है, इन्होंने टाई अप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ ताकि इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जा सके इनके याक के लिए. ठीक है, पहली बार इस तरीके की जो है इंश्योरेंस आपस में मिलकर के ये लोग कर रहे हैं. ओके, और याक की हम लोग बात कर लें तो याक जो है ये बोविनी ट्राइब के होते हैं जो कि इंक्लूड करता है बायसन, बफेलो, कैटल. ये एंडेमिक है तिब्बतन प्लेट्यू और एडजेसेंट हाई अल्टीट्यूड रीजन के अंदर. ठीक है, अगर आप लोग देखो तो जो टोटल पॉपुलेशन ये 58,000 की है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज लद्दाख, जम्मू में पाए जाते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में. ओके, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1906 में, हेड ऑफिस कोलकाता, डायरेक्टर श्री संजीव चड्ढा. ठीक है, चलो अभी मैं सेशन को क्लोज कर रही हूँ. आप लोगों को PDF मिल जाएगी GSEA बाय सुष्मिता मैम, यहाँ पर ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अब हमारी क्लास रात में 10 बजे होगी करंट अफेयर्स की, और आजकल की क्लास में हम लोग जो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू बैंक, जो आपकी नवंबर दिसंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग सेशन में आ सकते हो. विल मीट यू अगेन, टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत.